नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। तो सीएम योगी गाजियाबाद में जनसभा करने पहुंचे, जहां के कवि नगर रामलीला मैदान में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मात्र 7 वर्ष में कैसे परिवर्तन कर नया भारत बनाया जा सकता है, पीएम मोदी ने लागू करके दिखाया। आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है। वही योगी की जनसभा में आए योगी जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देख योगी आदित्यनाथ समझकर उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ में लग गए। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कासगंज की तीर्थ नगरी सोरो में पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल और माला पहनाकर उनका बेहद ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस बीच चुनावी जनसभा में डिप्टी सीएम विपक्षी दलों पर जमकर बरसे और कहा कि सपा की साइकिल 2014 में ही पंचर हो गई थी। डिप्टी सीएम ने सोरो के भाजपा प्रत्याशी के लिए इस दौरान वोट करने की भी अपील की है। बुंदेलखंड क्षेत्र हो, चारों तरफ एक ही आंधी है कमल के फूल की, और सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2014 में ही, लेकिन पंचर साइकिल को 2022 तक चलाए, 2023 में लोग उसका टायर ट्यूब खोलना चाहते। अब सपा वाले चाहें तो बचा लें, चले जाएं मैदान से, और अगर रहना चाहेंगे सपा हो बसपा, मैं सबके बारे में कह रहा हूँ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशियों की बड़ी जीत का दावा किया है। बता दें कि शाहजहांपुर में भाजपा ने अर्चना वर्मा को मेयर प्रत्याशी बनाए हैं और प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर पहुंचकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए दिखाई दिए। वर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। आज जिस दिन से शाहजहांपुर में हमारा प्रवास हुआ है, सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा जिले की जितने भी नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, हर जगह बीजेपी की लहर चल रही है। हमारी सभी कार्यकर्ताओं से बात हुई है जिले के, और बहुत बेहतर प्रबंधन आदरणीय खन्ना जी ने किया है। मैं शाहजहांपुर के सभी नगरवासियों को पूरे जिले प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सपा मेयर प्रत्याशी के समर्थन में शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर सपा का गढ़ है, यहां 60 में से 47 पर सपा जीत रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्रियों को अपने विभाग संभालना नहीं आता, उनमें आपस में ही झगड़ा होता है। बता दें कि सपा ने माला राठौर को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। वो पहली बार हो रहा है, और नगर निगम में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती माला राठौर हैं। कुल 60 वार्ड हैं, 60 पार्षद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के उतारे हैं, में 47 पर समाजवादी पार्टी की साइकिल है। खबर गाजीपुर से है, जहां अफजाल अंसारी को जेल की बैरक में रखे जाने पर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान दिया है कि अफजाल को जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में रखा गया है, सब कुछ न्यायालय की नजर में है और न्यायालय के आदेश पर जेल प्रशासन काम कर रहा है। वही मंत्री अनिल राजभर ने कहा, जो भी न्यायालय का आदेश देगा उसके अनुसार ही काम होगा। इस दौरान मीडिया के सवाल पर उन्होंने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर बयान देते हुए कहा कि सुभाषपा की छड़ी बगैर सहारे के खड़ी नहीं हो सकती है, ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर कंफ्यूज नेता हैं, उन पर क्या ही बात की जाए। प्रशासन कार्रवाई करता है, माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं उसका अक्षरशः पालन प्रशासन कर रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। आगे जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा हम उसका भी अक्षरशः पालन करेंगे। 300 लाइसेंस भी निलंबित किया गया है, तो बिल्कुल वो तो होना ही होना है। जब किसी अपराध जब सिद्ध होता है तो ऐसे लोगों के नाम से सलह नहीं होने चाहिए, लाइसेंस नहीं होने चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है, निरस्त होंगे। आपके भाई ओम प्रकाश राजभर पे हमलावर होते हैं।
छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ने कानपुर आईआईटी के साथ एक समझौता किया है, जिसमें यूनिवर्सिटी से जुड़े विद्यालयों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को मुफ्त साइबर सिक्योरिटी कोर्स प्रदान किया जाएगा और पाठ्यक्रम में सिस्टम सुरक्षा, वेलफेयर विश्लेषण, नेटवर्क सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी और आईओटी सुरक्षा भी शामिल है। इस कार्यक्रम में आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल और यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक शामिल रहे। यूनिवर्सिटी के कुलपति विनय पाठक ने इस दौरान बताया कि साइबर सुरक्षा की गहरी समझ प्रदान करना और उन्हें साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है। खबर फरीदाबाद से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और महिलाओं को सिलाई मशीन भी बांटी गई। इस मौके पर कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा और विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। वही पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि गरीब लोगों को मुख्य धारा में लाना और उनके लिए योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को लागू करना प्रधानमंत्री और मंत्री का मुख्य लक्ष्य है। के लिए सशक्त करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, सब रोजगार के लिए उनको सिलाई मशीनें आज इस सेवा दिवस के रूप में उनके अर्पित की गई है। तो आज मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए, और ये इसलिए है कि, और आप ये सिर्फ देखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी अपने अपने जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और अनेक तरह के सेवा के कार्यक्रम लगातार चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, उनके लिए सामान वितरण का कार्यक्रम हो, जुड़ने का उनका एक संकल्प है, तो उसी के तहत आज सेवा दिवस के रूप में यहाँ हमने जो बहनें चिन्हित करी थी, जो परिवार पहचान पत्र में से एक डाटा लेकर, तो उन बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए यहाँ एक छोटी सी शुरुआत करी। सर, जिस देश के पीएम मन की बात करते हैं, सीएम जनसंवाद करते हैं, तो भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते कितना लगता है कि बल मिलता है ऐसे नेतृत्व में? नहीं, बिल्कुल बल मिलता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हों चाहे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वो जनता के बीच में से निकलकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। फतेहपुर के रहने वाले एक परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने प्रतिनिधि लेखपाल के साथ मिलकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और मामले के मुताबिक नाप के बाद ग्राम समाज की जमीन परिवार को दे दी गई थी। वहीं अब जब पीड़ित परिवार ने जमीन पर मकान बनाने का काम चालू कर दिया तो प्रधान प्रतिनिधि उस जमीन पर निर्माण काम नहीं करने दे रहे। पूरा मामला ललौली थाना क्षेत्र के मेवली गाँव का है। अभी रास्ता नहीं मिलेगी तुमको, अगर घर है तो रास्ता नहीं मिलेगी कहता है। शिकायत की आपने, क्या आश्वासन मिला? कोई बात नहीं, कह डीएम साहब के पास कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाह रहे हो? हमको यह है कि हमारी जमीन जहाँ मिले तो कम से कम हमको बनवाने दे मकान। हमारे रहने की नहीं है, हमारा घर गिरवा दिया गया है। प्रधान तालाब में था कुछ, हमारे थे वो बांधने की दिक्कत। कितने लोगों की जमीन है? चार लोग। किसी की नहीं बनने दे रहा है? किसी की नहीं। क्या बोल रहा है? कहता है कि 10 दिन के बाद बनाओ। क्या नाम है आपका? राम निहाल। जा रहा है दक्षिण दिशा में, जो कि खलिहान का नंबर है जी, और उसमें दिया गया, हम स्वीकार कर लिया कि ठीक है हमको मिल रही है, उसमें भी हमको कब्जा नहीं दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं नहीं, अभी इसको नहीं करना है, 10 दिन बाद करना, उधर हमारा साहब वो चला जाएगा, बोर हो जाएगा हमारा काम करना। क्या बनवाना चाह रहे हैं? हम अपना घर बनाएंगे उसमें साहब, हमारे रहने की परेशानी है। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? कई आदमी। क्या आश्वासन मिला यहाँ? यहाँ पे साहब ने कहा कि वहाँ जाइए।
कानपुर में पुलिस का युवती के साथ मारपीट और दुष्कर्म कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और घटना में कानपुर कमिश्नर बीपी जोगदंड के आदेश पर पुलिस ने सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले में गुजैनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वह पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस लगातार समझौता करने का भी अब दबाव बना रही है। सेवक नाम के लड़के से 2015 से रिलेशन है और मतलब उसने शादी का झांसा दिया और मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए, मेरा शोषण करता रहा। अभी तक मुझसे शादी करने के लिए मेरे घर वाले भी मतलब कि उसकी फैमिली भी दोनों ही तैयार थी शादी के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यादा दहेज की वजह से ज़्यादा अब उसकी जॉब लग जाने के कारण यूपी पुलिस में आगरा में तैनात है वो लड़का, और अब वो दूसरी शादी कर रहा है किसी और से। मुझसे मंदिर में शादी की थी और अब मुझे धोखा देके वो कहीं और शादी कर रहा है। मैंने जब मुझे पता चला अचानक ही कि ये शादी कर रहा है तो मैंने थाने में FIR की, जिसकी वजह से मैं 15 दिन से थाने जा रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। किसी ने मेरी FIR नहीं लिखी, बहुत मुश्किल में 3-4 दिन पहले मेरी FIR लिखी है और ना ही अभी तक उसको पकड़ा गया है, और पुलिस वाले मुझसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं। हरदोई के मलावा इलाके में शादी में शामिल होने गए पति पत्नी बाइक से वापस लौट रहे थे। रास्ते में दोनों एक पंचर की दुकान पर रुक गए, तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने दोनों को टक्कर मार दी और हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पति गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। मृतका के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही तहरीर मिलने पर मामले में आवधिक कार्रवाई करने की भी तैयारी लगातार पुलिस कर रही है। एयर इंडिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लगभग 150 लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया और 2 महिलाएं सहित गिरोह के 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के 9 सदस्य में 2 महिलाएं शामिल हैं। आरोपी यूपी और बिहार के रहने वाले हैं, जो गाजियाबाद में अपना सेंटर चला रहे थे और लोगों को अपने जाल में फंसा कर ठगी कर रहे थे। जॉब तैयार करते थे, उसमें करीब 30-35 हज़ार की एक जॉब प्रोफाइल बना के उसको रिक्वायरमेंट बताते थे, और उसके बाद जब वो जो भी जो बंदा था, जो भी विक्टिम था, वो तैयार हो जाता था, तो उसके बाद उससे कुछ कुछ ग्राउंड से पैसे डिमांड करते थे, जैसे कि आपकी वेरिफिकेशन करानी है, आपका आईडी कार्ड तैयार कराना है, या आपको अभी कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते 35-40 हज़ार रुपये करीबन उन लोगों से ठग लिया करते थे। इसमें 2 महिलाएं भी हैं, उन्हें कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों के साथ ठगी की है सर? इसमें जो हमारे पास आया वो एक महिला है जो। अच्छा, आपका कोई लिंक था एयरपोर्ट से? नहीं सर, कोई लिंक नहीं था सर। लोगों के साथ फ्रॉड करने का काम करते थे? यस। अच्छा, जॉब के नाम पर कितने पैसे लेते थे? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। कितने लोग आपके साथ काम करते थे इस पूरे? 7-8-9 लोग। 7-8-9 लोग, मतलब इनक्वल नहीं पता कितने लोग थे? नहीं, इतने ही थे टोटल, 9 लोग थे। अच्छा, महिलाएं कितने थी, पुरुष कितने थे इसमें? 2 महिलाएं थी, 7 पुरुष। खबर रायबरेली से है, जहां युवक को दबंगों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा है, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वही पीटने का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है और मुकदमा दर्ज कर दबंगों की तलाश की लगातार की जा रही है। पूरा मामला महाराजगंज थाना इलाके का बताया गया है। गर्दन पकड़ के हमको बैठा दिया, गर्दन दबाने और बेल्ट और डंडे से मारने लगे। कौन थे वो लोग, किसने मारा? बम्बई उर्फ जगदीप वर्मा, उनकी लड़की थी। पुलिस वालों को आपने बताया? नहीं, 100 नंबर की नींद मिलाया था तो हमको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवा दिए थे। बस रात भर में पड़े थे, सुबह के यहाँ के रिफर कर दिया। सुबह हमको मालूम हुआ विनोद को मारा है गली में, तो हम गली के तरफ गए, पूछा जाता तो बताया गया बम्बई लोगों ने मारा है। कितने लोग थे मारने में? 3 लोग। इनके नाम बता दीजिए। बम्बई और उनकी लड़की थी और उनकी वाइफ थी। किस चीज़ से मारा गया इनको? बाँसों से मारा गया, बेल्टों से मारा गया। कोई पुलिस मौके पे पहुंची थी? मौके पे पुलिस 100 नंबर शायद आखिरी में गई थी। घर पे दरवाजा खटखटाया। किसके? बम्बई के घर पे। जी, उनके घर पे दरवाजा खटखटाया, वो निकले घर से बाहर, उसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद वो उनके मतलब बम्बई वो मारने लगे, उनकी बिटिया मारने लगी। दोनों लोग, एक लोग बेल्ट से मार रहे और एक लोग बांस के डंडे से मार रहे हैं। आपके चाचा बम्बई के घर क्यों गए थे?
वो गए थे इसलिए क्योंकि तो उनके वो बुलाए थे इसलिए। औरैया में अरवा कटरा के छिबरामऊ मार्ग पर आ रही एक बाइक पर सवार दो युवक अचानक रोड किनारे खड़े पेड़ से टकरा गए, जिससे बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों युवक को सीएचसी अरवा कटरा में भर्ती कराया है, जहां दोनों लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई गई है। लखनऊ में एसटीएफ एडीजी अमिताभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान अनिल दुजाना एनकाउंटर मामले को लेकर जानकारी दी गई है। वहीं एडीजी अमिताभ यश ने कहा कि अनिल दुजाना अपने विरोधियों की हत्या करता था, साथ ही औद्योगिक संस्थानों में वसूली और ट्रांसपोर्ट से भी वसूली की जाती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि दुजाना अवैध सरिया का कारोबार, अवैध खनन का कारोबार, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधों में संलिप्त पाया गया था। और क्या कुछ कहा है एडीजी ने, आइए आपको सुनाते हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था, क्योंकि इसके पास भारी मात्रा में असलहे थे। इसके पास से चार वेपन्स बरामद हुए हैं, जो दो इसकी गाड़ी में मिले और दो मुठभेड़ में इसने इस्तेमाल किए हैं। और इस मुठभेड़ में जब पुलिस ने इसको घेरा, उसने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने भी एसटीएफ ने भी फायर का जवाब दिया, और जिसमें इसे ये घायल हो गया और बाद में जब इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो इसकी मौत हो गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।